Now we are starting chapter 58, Mark in the field. So अपने अपने field में किसने क्या चीज़ mark की है, मतलब सबसे पहले वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, ये हम जानेंगे. Here are some personalities, यहाँ कुछ personality हैं who have made their mark in the field. I'm giving this introduction again. So now we are going to start chapter 58, Mark in the field. मतलब अपने अपने field में पहचान क्या है कुछ famous personalities की. तो यहाँ पर हमें कुछ personalities दी गई हैं जिन्होंने अपने अपने field में अपनी पहचान बनाई है, okay, जो उन्होंने अपने लिए चुना था. So check if you know the personalities after reading the following descriptions. इन descriptions को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि हम इन पर्सनालिटीज को कितना जानते हैं. फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे ये, टू सेट हिज फुट ऑन मून ऑन जुलाई 21 जुलाई 1969 को इन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था. ऑल्सो अ कमांडर ऑफ अपोलो 11 के, अपोलो 11 के कमांडर भी थे और ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ओके, आपको लर्न करना है इनका नाम, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. सेकेंड वी हैव साउथ अफ्रीकन सर्जन थे ये, जिन्होंने परफॉर्म किया था पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट. ओके, ऑपरेशन इन दिसंबर 1967 में इन्होंने पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन किया था और इनका नाम है क्रिश्चियन बर्नार्ड. ओके, नेक्स्ट वी हैव रेफर्ड टू एज द रियल आयरन मैन. इन्हें कहा जाता है कि ये एक रियल आयरन मैन है. ही इज प्रोबेबली बेस्ट नोन एज द सीईओ ऑफ टेस्ला मोटर्स एंड स्पेस एक्स. टेस्ला मोटर और स्पेस एक्स के सीईओ के रूप में इन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है और ये है एलन मस्क. ओके, आगे चलते हैं. नंबर फोर पर वी हैव अमेरिकन पायनियर ऑफ एनिमेटेड कार्टून फिल्म्स. ओके, सो ये अमेरिकन पायनियर थे एनिमेटेड कार्टून फिल्म्स के और क्रिएटर थे ये कैरेक्टर मिकी माउस एंड डोनाल्ड डक के. ओके, सो ही ओपन डिज्नीलैंड थीम पार्क इन 1955. इन्होंने ही 1955 में डिज्नी लैंड थीम पार्क खोला था और इनका नाम था वॉल्टर ई डिज्नी. नंबर फाइव पे वी हैव अमेरिकन पॉप सिंगर थे ये, बहुत फेमस, जिन्होंने 5 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था. इनका एल्बम थ्रिलर की 150 लाख से भी ज़्यादा कॉपीज सोल्ड हुई थी और इनका नाम है माइकल जोसेफ जैक्सन. माइकल जैक्सन के नाम से ये ज़्यादा जाने जाते हैं. इनका पूरा नाम है माइकल जोसेफ जैक्सन. नेक्स्ट ऑन सिक्स नंबर वी हैव वर्ल्ड रिनोन्ड फ्रेंच आर्किटेक्ट. ये संसार के माने हुए फ्रेंच आर्किटेक्ट थे हु प्रमोटेड द आइडिया ऑफ टाउन प्लानिंग. जिन्होंने टाउन प्लानिंग की आइडिया को प्रमोट किया. ही प्लान्ड द सिटी ऑफ चंडीगढ़. इन्होंने चंडीगढ़ सिटी का भी प्लान किया और ये थे ली कॉर्ब्यूसर. ओके ओके, तो आई होप कि आपको अब ये चैप्टर और इसकी जो डिस्क्रिप्शन दी थी ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों और आपको ये लर्न करना है. ओके, इसी के साथ ये फिनिश होता है. थैंक यू.